अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हमाद खान और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ख़ास और अहम किस्म के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो जो ट्रेडर्स पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं और अगर वो रोज़ाना की बेस पे अपनी ट्रेडिंग लगाते हैं तो उन सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि भाई उन सभी लोगों के अकाउंट जो हैं बिट्रेक्स एक्सचेंज ने डिजेबल कर दिए, क्योंकि वो लोगों ने कुछ अर्सा पहले हमें मेल की थी कि भाई आपकी जो लोकेलिटी है उस पर और उसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हमारी गवर्नमेंट की जानिब से रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो हमारे कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज को बहाल नहीं रख सकते। तो इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया जी, हम लोग जो पाकिस्तान से हैं और इसके साथ साथ जो उनकी जो मेल आई थी आप उसको अगर रीड आउट करें तो यहाँ पर क्लिक हेयर पे भी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी इनका सारा आर्टिकल, आप इसको अगर रीड आउट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो अभी इनकी सर्विसेज से मुस्तफीद नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट है पूरी कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान, इजिप्ट, बोस्निया, कम्बोडिया और इस तरह की सारे के सारी। यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको दिखाई देगा पाकिस्तान भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इनकी सर्विस जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, मतलब इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर अब इनकी सर्विसेज हम लोग नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कर सकते हैं जी, अपना जो भी कॉइन्स है या फिर कोई टोकन्स वगैरह आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए तो आप उनको इमीडिएटली वहां से विड्रॉ कर लें 18 नवंबर से पहले पहले। तो 18 नवंबर से पहले पहले अगर तो आपके पास कोई भी कॉइन वगैरह पड़ी हुई है, किसी कॉइन को आपने होल्ड किए हुए या आपके अकाउंट के अंदर कोई टोकन वगैरह पड़े हुए हैं तो आप उनको काइंडली उनको विड्रॉ कर लें। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिया कॉइन, यूनिकॉइन और XBG भी था जो कि मैंने विड्रॉ कर लिए, और अभी मेरे पास सिया कॉइन और यूनिकॉइन पड़े हुए हैं। अभी मैं इसको आपके सामने विड्रॉ पे लगाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि विड्रॉ हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बिट्रेक्स से बाइनांस के ऊपर इसको ट्रांसफ़र करूंगा। कुछ लोगों के क्यूरीज ये भी होती हैं कि भाई क्या हम लोग एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक एक्सचेंज से बिट्रेक्स से बाइनांस के ऊपर डायरेक्ट भी अपनी कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इनका कोई ऑफिशियल जो भी कॉइन आपके पास है उसका ऑफिशियल ई वैलेट अपने डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लें, उसको सेंसिंग पे लगा दें थोड़ी देर, मतलब एक घंटा, दो घंटा, ये 24 आवर भी मैक्सिमम वो ले लेते हैं समटाइम। तो मैं अभी आपके सामने विड्रॉ लगाऊंगा लेकिन मैं ई वैलेट के अंदर फिलहाल नहीं लगाता, मैं अपना विड्रॉ बिट्रेक्स अकाउंट से निकालूंगा और डायरेक्ट बाइनांस के डैशबोर्ड पर यहाँ से विड्रॉ लूँगा। बाइनांस भी अगर आपको नहीं पता तो ये भी हमारे पास ट्रेडिंग एक वेबसाइट, एक एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग इसी तरह बिट्रेक्स की तरह हम लोग अपना यहाँ भी ट्रेड करते हैं बाइनांस के ऊपर भी। और चलें अभी हम लोग यहाँ पे अपना विड्रॉ लगाते हैं। कहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है जी, वैलेट के अंदर जो भी आपकी कॉइन है उस वैलेट के अंदर जाना है। ऐसे नहीं कर देना कि आपने बिटकॉइन का एड्रेस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं कर देना, अगर ऐसे किया तो फिर आपको टोटली लॉस होगा, फिर आपके जो भी कॉइन्स हैं जो भी आपके पास होल्डिंग है वो आपको रिसीव नहीं होगी। यहाँ पे आपने वैलेट के अंदर आना है और सबसे पहले कॉइन आपने सर्च करनी है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सिया कॉइन है तो मैं सिया कॉइन को सर्च करूँगा और सिया कॉइन के एड्रेस के ऊपर मैंने यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ लेने हैं, वहाँ से बिट्रेक्स से विड्रॉ लेना और यहाँ बाइनांस के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगी ये। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे सामने सिया कॉइन का जो भी कॉइन है वो आ गई है, शो हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई सिया कॉइन नेम है, इसका टोटल बैलेंस मेरे पास शो नहीं हो रहा फिलहाल क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे मैंने डिपॉजिट नहीं किया। एक्शन यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है, विड्रॉ लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा अभी एक्शन डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास अभी फिलहाल 000 सारा को तमाम दर 00 आए हुए। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सिया कॉइन का एड्रेस आ गया है, मैंने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करने, जैसे ही मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं बिट्रेक्स के ऊपर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना कि आपने जो एड्रेस कॉपी पेस्ट किया वो एक्यूरेट है भी है कि नहीं है। यहाँ पे इसके फर्स्ट में 1F लिखा हुआ है, 153 लास्ट में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जी कि 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि हाँ ठीक है यहाँ भी 7 लिखा हुआ है और इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है जी, 153। ओके हो गया जी। और जो ही आपने एड्रेस अपने यहाँ पर डाला है तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे नीचे आ जाएं और विड्रॉ रिक्वेस्ट के ऊपर सबमिट कर दें या इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं जैसे कि आपके सामने क्लिक करके दिखा देता हूँ, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये मुझसे पूछ रहा है जी प्लीज़ कंफर्म डेट यू वुड, ठीक है जी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं जी, मुझे ये
कॉइन्स जो है मुझे विड्रॉ करनी है। सिया कॉइन का मैंने एड्रेस आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे जो एड्रेस दिया वो सिया कॉइन का दिया, ना कि बिट कॉइन का वहाँ पे दिए। तो मैं इसको कंफर्म करना चाह रहा हूँ जी। कंफर्म जैसे ही मैंने कर लिया तो ये देखें भाई, सिया कॉइन रिक्वेस्ट मेरी सबमिट हो गई है। ये तकरीबन एक घंटा दो घंटा, अब जो पहले मैंने एक्सवीजी की कॉइन को किया था विड्रॉ पे लगाया था उसने मेरा तकरीबन 16 घंटे लिए थे, लेकिन इसका मुझे नहीं पता अब ये कितना टाइम मेरा लेगी और वहाँ से यहाँ पे मेरी कॉइन्स डिपॉजिट हो जाएंगी। ये कॉइन डिपॉजिट करने से पहले मुझे 6 कंफर्मेशन मिलेंगी, मतलब तमाम 6 प्लेटफॉर्म से होते हुए मेरी कॉइन यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं या जो मैंने ये कंट्रीज़ की आपको लिस्ट बताई है इनमें से किसी भी जगह पे आप रहते हैं तो आप भी अब इनकी सर्विसेज फर्दर मोर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कॉइन्स को लॉस होने से बचाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, जस्ट जिस तरह मैंने भी विड्रॉ लगाया इसी तरह आप भी विड्रॉ लगा सकते हैं और अभी बाइनांस के एक्सचेंज के ऊपर आप अपना कॉइन्स वगैरह को डिपॉजिट कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा जी ये प्रॉब्लम आ रही है अभी तो बिट्रेक्स को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमें डिसेबल कर दिया हमारे अकाउंट्स को लोकेलिटी की बुनियाद पर। तो अच्छा होता अगर वो हमें डिसेबल ना करते, काम करते रहते, अदरवाइज अब हो गए तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरह ये जैसे यूनिकॉइन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे हम लोग इसको ई वैलेट के अंदर हम लोग इसको डिपॉजिट करेंगे, यहाँ से विड्रॉ लेंगे और अपने डेस्कटॉप के अंदर इसको कैसे विड्रॉ लेंगे इसका। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर तो समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ उसका। चैनल को अगर तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी प्यार और मोहब्बत ज़रूर शो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।